नाक बंद करो, ये केमिकल है। क्या क्या मार रहा है भाई, देखिए कितना मुश्किल से हम लोग को गाड़ी चलाना होता है, केमिकल मार के गाड़ी चला रहा है। देखिए नाक नहीं भाई, हो गया भाई, हो गया हो गया। पूरा महका दिया, देखिए बर्फ आइस बन गया, अंदर से आइस बन गया ये और चारों तरफ स्नो। तो वेलकम गाइस, आज हम जा रहे हैं गाड़ी लेने और हमारे मालिक है शुभम भैया, शुभम को गाड़ी लेनी है। चलिए देखते हैं अभी कैसी गाड़ी लेता है और कैसी गाड़ी हमें दिखती है, सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। बहुत सारी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ आपको दिखा चुका हूँ मैं, तो प्रोसेस भी दिखा देता हूँ कि कैसे गाड़ियाँ लेते हैं हम यहाँ पे रशिया में। चलिए बने रहिए वीडियो में, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम यहाँ पे पहुँचे, देखिए चारों तरफ गाड़ी गाड़ी है और ये यहाँ पे देखते हैं कैसी दिखती है यहाँ पे गाड़ी और कैसे होता मिलता है। हम भाई साहब को हमारे साथ भेजा गया है, वो गाड़ी दिखाएंगे हमें। स्पेसिफा हम दो चित्र तो अभी हम गाड़ी देख रहे हैं। अभी देखे 4 लाख तक का बजट है शुभम भाई का, तो उसी में देखते हैं, सेकंड हैंड कार देख रहे हैं। देखते हैं मार्केट ये टायर पंचर चलिए गाड़ी अंदर से दिखाते, 3.5 लाख 350 3.5 लाख की गाड़ी है और ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। देखिए अच्छा दिख रहा है ना, ठीक ठाक दिख रहा है। क्या है ये, डुप्लीकेट का रह गया, इतना सस्ता कैसे दे रहा है ये? देखो डुप्लीकेट नहीं है, और क्रैशन एली में दिया था, आधा क्रैशन है प्रॉब्लम, आधा तो पर नहीं है तो का कोई, तो आधा पर नहीं है तो का कोई जिमनी एक्सीडेंटल का नहीं है और 2008 का है ये गाड़ी, टायर नहीं है इसीलिए। ये नॉन एक्सीडेंटल कार है और इंटीरियर देखिए अच्छा है, इंटीरियर ऑटोमेटिक गाड़ी है लेकिन 2008 की गाड़ी है, 2008 की गाड़ी भी अच्छी दिख रही है 3.5 लाख में। बस हवा नहीं है टायर, और ये 2008 की गाड़ी है, लगभग कितना हो गया टाइम, 2 साल उधर 14 साल, 14 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन मेंटेन है। देखो कलर वलर कितना मेंटेन है, बस थोड़ा थोड़ा ये सब पेंट थोड़ा हुआ, इतना तो नई गाड़ियों में हो जाता है। сколько стоит? 396. 4 лаки гари. Оба, да? Цена? Да, 360 вроде. 60, да? ये 3,60,000 की है और ये 3 लाख, ये 3,96,000 की। दिखाता हूँ मैं अंदर से, ये है कब की है, 2007 की गाड़ी है। देखो साफ वगैरह मैनुअल है, गाड़ी तो ऐसे जगह पे आने पे अच्छी दिखती है, सब साफ सुथरा करके रखते हैं, चलाने पे तो चलेगा कैसी गाड़ी। Есть вот такая 425 на механике.
Автомотор одна, да? Вот Peugeot, да? Peugeot есть на механике, но она в данный момент, ребята. Автомотор одна у вас? Такая цена. Вот такая именно Peugeot? Да. Да, только одна она. А другие автомат нет, да? Почему? Ну, как вариант, я говорю, могу предложить Hyundai Getz на автомате. Getz. Getz. Это с какого года это? Так, она вроде 7-го года, но она чистенькая, что по кузову, что по салону. Давайте посмотрим. Посмотрим. Пойдемте. Лиф. Это моя уга. Ну, там уже 690. Да. Это электро. 50 лаки гори. И это полный электрик, да? А? Это полный электрик, да? Да. Если здесь... честно, я даже не знаю, сколько запас хода у них там был. Ага. Надо собственно понять. 50 лаки электрик гори, Kia Leaf. Она компактная, парковка проблем не будет. На зимней резине нигде ничего, никаких мягких характеров нет. Я чарлок. Плюсом. Чарлок 20000 की गाड़ी है. Регулировка зеркал. Автомат. Автоматик है और कितना का है? 2007 की है ये गाड़ी. अभी तक सबसे अच्छा लेकिन Peugeot का था अंदर सब कुछ सीट वगैरह से. इंटीरियर ये थोड़ा पीछे से दो ही लोग बैठ सकता है ना. Я думаю, вот ну самое такое. У него первая замок. Чарлок 20000 की. ये Spark. Chevrolet Spark. Ну сколько литров? Я 4 лак 5000 ки е, а? 12 года, да, это? Максимум 7 по трассе. 2 лак 2012 ки гари е. Залезь куда надо, сам залез. Дешевое обслуживание. Интерьер отчи дикти е. И комплектация у него, знаешь, не простенькая такая. Как бы и кондиционеры, и подогрев... А, у него даже не кондер, у него это... А на этом машине гарантия есть, да? Кондёр, усилитель руля, подъёмники. На этом машине гарантия есть тоже, да? Год, а? Год гарантии тоже есть, да? Но она дополнительно покупается. Дополнительно. То есть 30 тысяч год гарантия. Это чтобы спать на цель, спокойно. На любой машине? На любую, гарантия. Да? 30 тысяч. Да. Гера ценится. Понятно. Means 30,000 में एक साल की गारंटी आप खरीद सकते हो सेकंड हैंड कार मार्केट है. И гарантия будет на каком... Ну, это вот такая машина, я тебе говорю, это вот это нормально. Просто я видел такое, что бывало и хуже. Да? Это у тебя Duster какого года? 12. 12-го. Тебе, конечно, после Duster, представь мне такую, либо Duster такая машина, либо вот это. Это совсем разный уровень. А гарантия будет на каком гарантии? Смотрите, проезжайте 500 километров, все чеки, вот заменил масло, допустим, поменял свечи, все чеки, вот это все сохраняешь. И люди вот берут, чтобы спать спокойно, кто-то приходит и трясется, а если у него двигатель завтра стукнет? Мы предлагаем гарантию, чтобы ну, спать только спокойно. Только 500 километров. А? 500 километров. Да, 500 км проехал, потом какой-либо ремонт, они 70% ремонта оплачивают. То есть, допустим, вот у тебя стуканул на ней двигатель. Только 70, да, 100%, позвонил. 100% нет. 70%. 70% дисконт. Means гарантии лени ка бад би 100% нои 70% дисконт. Бахия хай. То би ек сал ки гарантии пе. Я саб гаади би хай. Крета хай я. Nissan, Nissan, सब की गाड़ी है, Ford की, Toyota की, सब की गाड़ी है. Я вот на нем катался. ये देखो गाड़ी 550,000 की, 2015 की है, PUBG वाली गाड़ी. Hunter नाम है इसकी. देखो PUBG वाली गाड़ी. В любой мороз заводится вообще поперек. Надо ठंडा हो, कहीं भी चल जाएगी. 550,000. टेंजन के फेवरेट गाड़ी बैठ गए हम लोग पबजी वाली फीलिंग ये इसका है ना ऑफ रोडिंग वाला गियर है ना फोर हाई फोर लो और नॉर्मल और न्यूट्रल है इधर न्यूट्रल टू हाई फोर लो है टू हाई भी है फोर हाई टू लो नहीं है ना टू लो है ना टू लो नहीं है टू हाई है ऐसा कर देते हैं
ये भाई पूरा 2015 की गाड़ी लग रही है, सोवियत यूनियन का टेक्नोलॉजी है, गियर बहुत चेंज कुछ भी नहीं किया है, देखो गियर बहुत अच्छा है ऐसा है, 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा है, नीचे रिवर्स सही है, पूरे स्पेस है बीच में, आराम से यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो खा सकते हो, पीछे भाई सीट लेकिन बहुत छोटा दिख रहा है, वो देखो क्या एसी वहाँ पे है, एसी है सब कुछ, ये देख एसी वहाँ पे है भाई, ये बाहर से एसी लगवाया क्या, पीछे से हवा आ रहा है ना आगे, अच्छा आगे कुछ नहीं, और ये क्या चीज का है, ये गाड़ी बंद करने वाला है क्या, ये पता नहीं कौन सा है, ये ब्रेक है पता नहीं क्या है, ब्रेक तो इधर है, चलो देखते हैं अब उतर के ट्रक से, देखो ये लाडा नीवा, डबल डोर ही है ये, छोटी सी गाड़ी है, सारे 4,65,000 की है और ये 2015 की है, 86,000 किलोमीटर चल चुकी है, 1.7 लीटर का इंजन है, गियर देखो सही है ना, ये सब खुला हुआ क्यों है, बंद कर देगा ये सब, ऐसे लग रहा है सब चीज खोल खोल के रखा है भाई, पता नहीं बुला दो उसको, ये सब क्या है, ये उसका है ऑफ रोडिंग वाला गियर है, सब खुला भाई कुछ तो खुला ना मोज ना मुझसे पच्चीम कृत से तम वोल्ट नहीं है तो उसको ये अच्छा लगेगा है नहीं ना रेमंड दलाल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है शुभम ब्रो, इतना नहीं है कैसा लग रहा है बता सकते हैं आप लोग, शुभम पे कैसा लग रहा है गाड़ी बताना, इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये देखो भी अंदर टायर मेरा भी फ्लूइड है यहाँ पे रखा है, फ्लूइड है अच्छा होता है, फाइनली जाके यही फर्स्ट गाड़ी पसंद आई है, इसका चाबी लेने भेजा है, वो चाबी लेने जा रहा है, चलना है तो तुझे रुकना है तो तुझे ब्रेक दबाना है, चलना है तो एक्सीलरेटर दबाना है, मतलब इसको ऑटोमेटिक चलाना सिखा रहे थे, ये बहुत सारा आदमी क्या करता है पैर ऐसा करके चलाता है ना, ऐसा करके ऐसा नहीं होता ना, एक पैर ऐसा वेट रखना पड़ता है ना इधर साइड में, गाड़ी का इंटीरियर वगैरह तो अच्छा है सब, बहुत अच्छा है, बस यही है कि दो जगह और देखते हैं, देखते हैं पहले एक बार स्टार्ट करके, इसमें तो हवा है नहीं, चला तो सकता नहीं है, पीछे हवा नहीं है, इसमें तो भाई वो भी नहीं है, क्या नहीं है, गाना बजाना है ना, म्यूजिक सिस्टम हो आप, ब्लूटूथ वगैरह हो, ब्लूटूथ खुद लगाना खरीदना पड़ता है, इसका अंदर लगाने वाला 1,000-1,500 में आ जाता है, सस्ता में भी आ जाता है, 300 वाला में आ जाता है, अच्छा वाला वैसे तो 1500 लग जाए, देखते हैं अभी इस गाड़ी का क्या करना, देखते हैं गाड़ी का फ्रेम वगैरह देख के पता चलता है कि एक्सीडेंटल है कि नहीं, ये सब देखिए कलर नहीं हुआ है, ये सब एक्सीडेंटल नहीं लग रहा है, ये सब देखना होता है, सुभाजी स्टार्ट कर, जंप स्टार्ट, इशारास ठंडा हो गया तो दवाई по карте будет получается процент 2% за перевод. За перевод 2%, да? А если наличными, когда? Если наличными, ничего, просто вот 50%. Да, уже? Карт за 2% экстра чарж лега был, да. Автоматик гарри, Peugeot ки, 308. Сам кут жал рая, lightweight. एक्सीडेंटल तो नहीं दिख रहा है, पेंट वेंट वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई ऐसा अलग सा एलिमेंट नहीं दिख रहा है कि हाँ पेंट चढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसका टायर खरीदना पड़ेगा और शीशा टूटा हुआ है, क्या देखना है इंजन वाला, ऑयल लगी तेल देखना है,
इधर दिख रहा है ना, और लेके लेके कर वही लगा है пура инжин хуловая. Машина понравилась, а что-то вот не то. Но я вам советую хорошую машину, вы не хотите. ये गाड़ी का इंजन खुल चुका है तो नहीं लेंगे. चलिए देखते हैं दूसरी गाड़ी देखते हैं. हमने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ देखी. ये हमारा पहला दिन था, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लेना चाहिए. तो वही हम अभी सोचने में टाइम ले रहे हैं ना, और देखते हैं दूसरी जगह पे चलते हैं, देखते हैं. अब तो क्या चलते हैं जहाँ की वीडियो मैंने बहुत सारी शूट की है, बहुत बड़ा कार मार्केट है. अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में मैंने लिंक डाल दिया है, वो देख लीजिएगा. और अभी देखते हैं वहाँ पर कैसी रहती है गाड़ियाँ. ठंड बहुत है बाबा, पैर पूरा जम गया. अभी ये बाहर में कार देख देख के थक गए तो ये अंदर आए हैं गाड़ी देखने. यहाँ की बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में रख दिया लिंक, देखना आप. ये वीडियो कभी नहीं बनाई. कॉफ़ी यहाँ पे बनाई है भाई, दूसरी या तीसरी वीडियो ऊपर से नहीं ना बनाई है, ऊपर से बनाई है. थंबनेल पे है, थंबनेल पे है फोटो, इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करने से नहीं होता. ये कॉफ़ी ब्रेक ऊपर से बनाया है उस साइड से. कॉफ़ी ब्रेक बहुत ठंड है भाई बाहर, पैर वैर सब कुछ जम गया, इसका मुंह जम गया. दिखाओ एक बार पुक पुक करके. अरे मुंह बना के दिखाना टेंजिन, एक बार दिखा तो सही, दिखाना भाई प्लीज प्लीज टेंजिन. कैसे मुंह ठीक करते, जमा हुआ मुंह कैसे ठीक किया जाता, टेक्निक बताओ ऐसे करके ठीक कर. चलिए देखते हैं और गाड़ी. और शुभम भाई आज गाड़ी लेके ही जाएंगे, तो लेके जाएंगे. शुभम भैया को पैसा है तो गाड़ी लेके जाएगा, आज गाड़ी लेके जाना है, चाहे जो होता है, जैसे भी गाड़ी जाए, खटारा पटारा जो बाद में आके रिटर्न कर देंगे.